सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डीएनए रेप्लिकेशन को शुरू किया था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट हमने प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोक्रियोट्स में रहता है उसका इनिशिएशन वाला पार्ट हम कवर करेंगे, ठीक है, कि कैसे इनिशिएशन होती है। वैसे हम आगे इलोंगेशन भी देखेंगे कल को, एंड टर्मिनेशन भी कल को हम खत्म करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोक्रियोट्स। डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोक्रियोट्स। अब सबसे पहले, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, हमने क्या करना है कि एक डीएनए स्ट्रैंड से हमने दो डॉटर स्ट्रैंड्स को बनाना है, ठीक है। अब उसके लिए क्या हो रहा था कि हमारे पास सपोज ये दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये दोनों स्ट्रैंड्स होंगे सेपरेट, ठीक है। अगर सेपरेट होंगे तभी इनके अंदर कोई घुसेगा और नया स्ट्रैंड बना पाएगा, ठीक है। तो मॉडस ऑपरेंडी सारी क्या है, स्टोरी क्या है, तो पहले वो स्टोरी समझते हैं। तो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होगा, आपके पास दो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, उन दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को ओपन किया जाएगा, ठीक है। अब ओपन कौन करेगा, ओपन करेगा हमारे पास, ओपन करने के लिए हमारे पास एक कटर आएगा, कटर जैसी चीज आएगी जिसको हम बोलते हैं हेलिकेज, ठीक है। तो पहले हमारे दो डीएनए स्ट्रैंड्स बंद थे, उसके बाद हमारा हेलिकेज जैसे जैसे आता गया वो दोनों स्ट्रैंड्स को क्या करता गया, ओपन करता गया। अब ये हेलिकेज जब ये दोनों स्ट्रैंड्स को ओपन करेगा, इसके ओपन करने का मकसद क्या है, क्योंकि इसके पीछे लगा होता है प्राइमर, प्राइमर और उसके पीछे लगा होता है डीएनए पॉलीमरेज। देखो नाम में क्या है, डीएनए पॉलीमरेज, विच इज एन आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज क्या करेगा, ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड है इसको पढ़कर, इसको रीड कर, जिसको कि हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे, इसको पढ़कर वो ऊपर नए स्ट्रैंड की क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। अब देखो एक नया स्ट्रैंड अब यहाँ पे बन जाएगा और एक नया स्ट्रैंड यहाँ पे बन जाएगा, बन गया हमारा, रेप्लिकेट हो गया डीएनए। तो यही चीज अब हमने पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स क्या होंगे, इकट्ठे होंगे। इकट्ठे होने के बाद दोनों को क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। सेपरेट कौन करेगा, आपका हेलिकेज करेगा। तो जैसे ही हेलिकेज आएगा ये दोनों स्ट्रैंड्स ओपन हो जाएंगे और हेलिकेज के पीछे भागा भागा आएगा प्राइमर। अब प्राइमर क्या चीज है, देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड है 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम और 3 प्राइम से लेकर 5 प्राइम, ठीक है। तो अब ये दो डीएनए स्ट्रैंड क्या हो गया, ओपन हो गए। देखो यहाँ पे हम मैंने दिखाया हुआ है कि ये मेरा डीएनए का स्ट्रैंड है और ये डीएनए के स्ट्रैंड को ये जो हेलिकेज है, ये जो हेलिकेज है ये क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है। जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे स्ट्रैंड क्या हो जा रहे हैं, ओपन हो जा रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, अगर आपको डीएनए रेप्लिकेशन की स्टोरी बनानी है उसके किरदारों को देखते हैं, कौन कौन है यहाँ पे हीरो, कौन कौन है सपोर्टिंग एक्टर्स, ठीक है, वो सारे देखते हैं। तो पहले हमारे पास एक हेलिकेज चाहिए है, उसके अलावा मोटा मोटा हमें क्या चाहिए, एक प्राइमर चाहिए, फिर हमारे पास क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, ठीक है। तो अब हेलिकेज क्या करेगा, हेलिकेज दोनों स्ट्रैंड्स को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। अब ओपन करने के बाद हमारे पास क्या होता है, प्राइमर, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जिसने कि आपका न्यू डीएनए बनाना है वो थोड़ा सा क्या है, मतलब अनपढ़ सा है, मतलब उसको इतना अच्छा काम करना नहीं आता, होता ना कि सर आप एक बार दिखा दो कैसे करना है फिर मैं अपने आप कर लूंगा, तो डीएनए पॉलीमरेज का थोड़ा ऐसा सा नेचर है। तो इसीलिए हमारे पास एंजाइम प्राइमेज क्या करता है, आगे एक छोटा सा टुकड़ा ऐड कर देता है, किसका, प्राइमर का, और इस प्राइमर को उसके बाद एक्सटेंड कौन करता है, आपका डीएनए पॉलीमरेज करता है। समझ आई, पहले हेलिकेज आया, हेलिकेज में आपने दोनों स्ट्रैंड्स को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर प्राइमर आया। प्राइमर क्यों आया, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज ने इसको एक्सटेंड करना था, ठीक है। तो फिर हमारा क्या आया, प्राइमर, और ये ऐड होगा इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, ये हमेशा
5'-3' ही डीएनए की क्या करता है, सिंथेसिस करता है। नॉर्मल चीजें सभी को पता होगी, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, हेलिकेज ने उसको ओपन किया, फिर प्राइमेज ने प्राइमर लगाया, फिर उस प्राइमेज को प्राइमर को रीड करके डीएनए पॉलीमरेज ने आपके डीएनए स्ट्रैंड को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो ऐसे ही इधर होगा और ऐसे ही आपका इधर होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन क्या बना देते होते हैं कि सपोज आपके पास 3-4 स्ट्रैंड दे दिए, ठीक है। एक स्ट्रैंड सपोज मैंने ये वाला बना लिया, एक मैंने बना लिया 3' से लेकर 5', 5' से लेकर 3', एक मैंने बना लिया 5'-5', 3' से 5'। अब देखो इसमें कौन कौन से स्ट्रैंड पे डीएनए रेप्लिकेशन होगी नहीं होगी, इस पे तो होगी ही होगी, ठीक है। दूसरे स्ट्रैंड पे आओ, अब जो डीएनए प्राइमर होता है ना, इसने कहाँ पे लगना है ये भी तो कोई पॉइंट होगा, किसने कहाँ पे जाके अटैच होना है, कितना बड़ा डीएनए स्ट्रैंड है, कहाँ पे जाके अटैच होगा, हमें कैसे पता, ठीक है। तो ये जो प्राइमर होगा ये आइडेंटिफाई करता है 3' OH को, ये सिर्फ 3' OH जहाँ पे है वहीं पे जाके बाइंड कर सकता है, तो यहाँ पे भी प्राइमर बाइंड कर सकता है, ठीक है। और ये जो है स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5'-3' हो सकती है, और यहाँ पे भी बाइंड कर सकता है और इसको इधर एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर वाले में तो अकेला 5'-5' दिया हुआ है, नीचे वाले में चलो हो सकती है पर ऊपर कंप्लीट तो नहीं हो सकती, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी हमें दिए जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि पहले हम लिस्ट डाउन करेंगे कि कौन कौन से, अभी जो हेलिकेज है, प्राइमर है, डीएनए पॉलीमरेज है, इन सभी का प्रोकैरियोट्स में थोड़े से अलग नाम है, यूकैरियोट्स में थोड़े से डिफरेंट नाम आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी इस स्टोरी में टोटल हमें लिस्ट डाउन करते हैं कि कौन कौन सी चीजें इन टोटल हमें चाहिए होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए हेलिकेज। अब हेलिकेज को देखो प्रोकैरियोट्स में हम बोलते हैं DNAB, ठीक है। दूसरा, अब हेलिकेज को लोड करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, इसको लोड करवाने के लिए हमें चाहिए हेलिकेज लोडर, और हेलिकेज लोडर को प्रोकैरियोट्स में बोलते हैं DNAC। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, प्राइमर, ठीक है। प्राइमर को हम यहाँ पे बोलते हैं DNAG, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज प्राइमर के बाद कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा, इसमें तो डीएनए पॉलीमरेज ही बोल देते हैं, और इसमें टोटल इसकी 9 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि हम कल को और डिटेल से क्लेरिफाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डीएनए पोल आ गया। हाँ, डीएनए पोल को रिक्रूट करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, बीटा स्लाइडिंग क्लैंप चाहिए, और बीटा स्लाइडिंग क्लैंप को भी लोड करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्लैंप लोडर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं जब हमने प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन को स्टडी करना है, और जब हम यूकैरियोट्स में स्टडी करेंगे इनका कुछ कुछ का जो नेम है वो आगे हमारा चेंज होगा। अब एक और चीज हमें और चाहिए होती है, टोपोआइसोमरेज, उसका हम आगे जाके काम देखेंगे कि उसका क्या काम होता है। देखो टोपोआइसोमरेज का क्या काम होता है, अब रस्सी लो, रस्सी में उसको रोल करी जाओ करी जाओ करी जाओ करी जाओ, तो उसी टेंशन को वैसे ही जैसे जैसे ये डीएनए स्ट्रैंड खुलता जाता है ना, उसमें बहुत ज्यादा टेंशन आ जाती है। तो अगर आप थोड़े से बलों को रिलीज कर दोगे तो टेंशन कम हो जाएगी, तो उसी टेंशन को रिलीज करने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, टोपोआइसोमरेज, ठीक है। तो विद दिस लेट्स गो विद टुडेज वीडियो, जहां पे हमने मेन क्या देखना है, आज हम देखेंगे इनिशिएशन, और इनिशिएशन में हमारे पास कौन कौन से वो आएंगे सारे देखेंगे हम, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए एटीपी के बारे में। अब ये क्या चीज हो गई, अभी तो सारी लिस्ट देखी थी भाई, उसमें तो ये था नहीं। तो डीएनए एटीपी क्या है, देखो एक ना रेगुलेशन होनी चाहिए। रेगुलेशन का क्या मतलब हुआ, चलो रेप्लिकेशन का आपने सारा कुछ लगा दिया, उस रेप्लिकेशन को कंट्रोल भी तो करना होता है, ठीक है। अब उस डीएनए स्ट्रैंड में कौन सी ऐसी स्पेसिफिक जगह है जहां से हम शुरू करें, जिसके ऊपर जाके हमारे सारे हेलिकेज, पॉलीमरेज, प्राइमर प्रॉपरली अटैच हों, तो वो कैसे पता लगेगा,
मतलब क्वेश्चन तो है ही ना ये, तो इसी क्वेश्चन को हम आंसर करते हैं। सबसे पहले डीएनए एटीपी हमारा क्या होता है, ये हमारा एक एटीपी के वाला प्रोटीन है जो कि रेगुलेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपके डीएनए में जहां पे जाके आपके सारे प्रोटीन्स अटैच होंगे उस साइट को बोलते हैं ओआरसी, मतलब रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। और ये जो ओआरसी आपका होता है ये टोटल 245 बेस पेयर्स की होती है ये ओरिजिन, और यहाँ पे जाके आपका डीएनए एटीपी बाइंड करता है। तो होता क्या है एक्चुअली कि अब ये जो 245 बेस पेयर वाला है रीजन, इसमें एक तो प्रेजेंट होते हैं 13 मर रिपीट्स और एक प्रेजेंट होते हैं 9 मर रिपीट्स। जो 13 मर रिपीट्स होते हैं वो हमारे 3 टाइम्स रिपीट करते होते हैं और जो 9 मर रिपीट्स हैं वो 5 टाइम्स रिपीट करते हैं। अब ये क्या बोली जा रही हूँ मैं, देखो सपोज ये आपका 13 मर वाला पार्ट है या आपका 9 मर वाला पार्ट है, तो इसमें सपोज एक सीक्वेंस है GATC, थोड़ी लंबी सीक्वेंस होती है 14 से 15 बेस पेयर की, तो ये 3 बार रिपीट कर रही है, इसमें 5 बार रिपीट कर रही है, तो इस निशानी से हमें क्या पता लगता है, इस निशानी से हमें पता लगता है कि यहाँ पे आके सारे मॉलिक्यूल्स ने आगे बाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या होता है डीएनए एटीपी आके यहाँ पे बाइंड कर जाता है। अब इसका यहाँ पे बाइंड करने का क्या मकसद है, क्योंकि आगे इसने डायरेक्ट करना है कि हेलिकेस लोडर को लेकर आएगा, ये हेलिकेस को लेकर आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस होती है ना यूजली GATC सीक्वेंस होती है, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही हमारा डीएनए एटीपी हेलिकेस लोडर और हेलिकेस, अब इन्होंने क्या करना है डीएनए को क्या करना है ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए सबसे पहले जो पॉइंट हमारा आता है कि जो ओआरसी कॉम्प्लेक्स है ना ये एटी रिच होता है, क्योंकि हमें पता है कि एटी के बीच में बहुत ही कम मतलब वीक इंट्रैक्शंस होती हैं, तो इसको ओपन करना थोड़ा इजी होगा। तो डीएनए ने दिमाग लगाया कि उस नस को पकड़ो जो सबसे क्या है वीक है, और उसी वीक जगह पे जाके कौन बाइंड करेंगे, आपके डीएनए एटीपी जाके बाइंड करेंगे और रिकॉग्नाइज करवाएंगे कि डीएनए सी लोडर जो है हेलिकेस का और हेलिकेस जो है यहाँ पे जाके बाइंड करे, ठीक है। अब देखो तो होगा क्या, ये जो आपका डीएनए एटीपी होता है ना इसके ना 4 डोमेन्स होते हैं, फोर्थ डोमेन, थर्ड डोमेन, सेकेंड डोमेन, फर्स्ट डोमेन, और इसके अंदर आर्जिनिन फिंगर होती है जो कि इसका मतलब मोस्ट करेक्टरिस्टिक पॉइंट होता है। तो इसका जो फोर्थ वाला पार्ट होता है ना एंड टर्मिनल रीजन, ये जाके आगे किसके साथ बाइंड करता है, ये आगे आपका बाइंड करता है हेलिकेस के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका एंड टर्मिनल हो गया, हेलिकेस का एंड टर्मिनल हो गया, और हेलिकेस का जो सी टर्मिनल होता है वो आगे किसके साथ बाइंड करता है, वो बाइंड करता है हेलिकेस लोडर के साथ। तो देखो अब ये तीनों का कॉम्प्लेक्स बन गया, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा। अब आते हैं हम इस फिगर में जहां से आपको सारा प्रोसेस आएगा समझ में, ठीक है। तो इस फिगर को हम ध्यान से देखते हैं थोड़ा कि क्या लिखा हुआ है, बाद में हम रिवाइज करेंगे तो दोबारा इसको लिख लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने हेलिकेस की एक्टिविटी दिखाई हुई है। सबसे पहले हेलिकेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। देखो जो हेलिकेस होता है ना वो ना डबल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जैसे कि मैंने बनाया हुआ है। सेम वे इसका भी एन टर्मिनल होगा और इसका भी सी टर्मिनल होगा, और एक स्ट्रैंड पे आपके दो हेलिकेस लोडर लोड किए जाते हैं। सो हेलिकेस आपका क्या है, ये आपका हेक्सामर है, ठीक है, और इसके पास क्या होती है एटीपीएस एक्टिविटी होती है। अब एटीपीएस एक्टिविटी कैसे होगी, देखो जो आपका एंड टर्मिनल वाली साइड है वो तो आपकी अटैच होती है डीएनए ए एटीपी के साथ। अब जो इसकी एटीपीएस एक्टिविटी होती है दैट इज प्रेजेंट इन सी टर्मिनल, तो इसकी एटीपी एक्टिविटी किसमें प्रेजेंट होती है, सी टर्मिनल पे। जैसे ही इसकी एटीपीएस एक्टिविटी खत्म हो जाती है ये यहाँ से शट अप हो जाता है और हेलिकेस बाहर निकल आता है और इनिशिएशन हम स्टॉप कर सकते होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ हेलिकेस के पॉइंट थे, और इसको लोड करने वाला कौन होगा, इसको लोड करने वाला होगा हमारा हेलिकेस लोडर। अब देखो यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ये जो आपने ब्लू वाला पार्ट देख रहे हो ये ब्लू वाला पार्ट है आपका डीएनए सी,
डीएनए सी माने सॉरी डीएनए एटीपी, डीएनए ए एटीपी जिसने कि आपके ओरिसाइट को क्या किया है, रेकग्नाइज किया है। अब डीएनए एटीपी का जो एंड टर्मिनल वाला पार्ट है वो आपका बाइंड कर रहा है डीएनए सी के साथ, और सी माने क्या हुआ, डीएनए सी क्या हुआ, डीएनए सी आपका हुआ हेलिकेस लोडर, और ये जो ग्रीन वाला है ये आपका क्या हुआ, ये हुआ आपका हेलिकेस। तो डीएनए सी जो कि हमारा हेलिकेस लोडर है उसने हेलिकेस को क्या कर दिया है, लोड। अब हेलिकेस क्या करेगा, इस लूप को ओपन करता जाएगा। अब जब ये ओपन करेगा तो इसका मेन मकसद क्या है कि प्राइमर को अटैच करवाना ताकि बाद में आके डीएनए पॉलीमरेज क्या करवा सके, इलोंगेशन करवा सके, ठीक है। तो ये जो मैंने दिखाया है दिस इज योर प्राइमर, और ये भी आप देखो ऑपोजिट ऑरिएंटेशन में दोनों अटैच्ड है, लेकिन डीएनए एटीपी एक ही है, ये ना ऐसे गोल 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 घूम रहा है कि यहाँ पे भी इसको लोड करवा सके और यहाँ पे भी लोड करवा सके। तो ये इधर को प्रोसीड करेगा, ये इधर को प्रोसीड करेगा, क्योंकि ओरी साइड तो यहाँ पे एक ही है ना, तो ये हमारा इधर को रेप्लिकेशन करेगा और एक स्ट्रैंड आपका इधर को बन जाएगा, दैट इज 5' to 3' बन जाएगा, और इधर भी आपका 5' to 3' बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा इनिशिएशन में क्या हुआ, इनिशिएशन में सबसे पहले हमारे पास डीएनए एटीपी आया, तो थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं ताकि पूरी इनिशिएशन को हम थोड़ा सा वो कर लें, समराइज कर लें, ठीक है। तो इनिशिएशन में सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले डीएनए एटीपी ने रेकग्नाइज किया ओरी सी साइट को, ठीक है। उसके बाद इसने अपने एंड टर्मिनल से किसके साथ अटैच हुआ, ये अपने एंड टर्मिनल के साथ डीएनए सी। अब उसके बाद क्या हुआ, आपका कॉम्प्लेक्स आया, किसका आया, डीएनए ए का और डीएनए सी का और डीएनए बी का। अब ये 6 क्यों लिखा है, क्योंकि आपका हेक्सामर है, ये भी हेक्सामर होता है पर ये 2 रिंग फॉर्म में नहीं होता जैसे कि आपका हेलिकेस होता है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये हमारे लोडेड हो गए टू द ओरी सी साइट, ओरी सी साइट पे क्या हो गए, ये दोनों लोडेड हो गए। अब नेक्स्ट हमारा कौन आएगा, नेक्स्ट हमारा आएगा डीएनए जी, डीएनए जी हमारा क्या हो गया, प्राइमर आ गया, ठीक है। सो नाउ देयर विल बी रिक्रूटमेंट ऑफ डीएनए जी, और जैसे ही डीएनए जी की रिक्रूटमेंट होगी तो डीएनए जी की रिक्रूटमेंट से क्या हो जाएगा, देयर विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल कन्फर्मेशनल चेंज, ठीक है, कन्फर्मेशनल चेंज होगा, और दूसरी चीज देखने को मिलेगी हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी, जिसमें एटीपीएस हाइड्रोलाइटिक एटीपीएस एक्टिविटी होगी, जिसमें एटीपी चला जाएगा एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इन दोनों की वजह से क्या होगा कि जो आपका डीएनए सी लोडर है वो वहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ये मतलब सारी चीज चली जाएगी और आपका क्या रह जाएगा, हेलिकेस रह जाएगा और आपका प्राइमर रह जाएगा। तो ये वाला सारा प्रोसेस आपको किसमें विटनेस करने को मिलेगा, इनिशिएशन में। अब जैसे ही आप इलोंगेशन में जाओगे वहां पे कौन नया मेहमान आएगा, वहां पे आएगा आपका डीएनए पॉलीमरेज। तो इनिशिएशन में आपका इतना काम होता है, यहाँ पे हमने सारे एंजाइम्स के बारे में देख लिया, हेलिकेस के बारे में, प्राइमेस के बारे में, डीएनए एटीपी के बारे में, ठीक है, प्राइमर कैसे अटैच होगा, कहाँ पे अटैच होगा, लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा है, हाँ लैगिंग लीडिंग भी आपको पता होगा है ना कि 5' to 3' है अगर, तो यहाँ पे 3' to 5' है अगर, तो कैसे स्ट्रैंड बनेंगे, यहाँ पे आपका रेगुलर स्ट्रैंड बनेगा और यहाँ पे आपका रेगुलर बनेगा 5' to 3', और अगर आपका ये ऐसे बन रहा है तो ये शो कर रहा है आपका लैगिंग स्ट्रैंड, और अगर ऐसे बन रहा है तो ये शो कर रहा है आपका लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड का जो हमारा सिस्टम होता है वो क्यों होता है, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ना वो सिर्फ 5' to 3' पे मूव कर सकता है, ये 3' to 5' नहीं मूव कर सकता, मतलब कि 5 to 3 ही डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा। देखो कॉम्प्लीमेंट्री बनता होता है ना, तो अगर ये 3' to 5' है डीएनए स्ट्रैंड अच्छे से ज्यादा जाएगा और 5' to 3' बनाता जाएगा, लेकिन ऊपर तो इसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो गई, तो ये स्ट्रैंड जो होता है ना ये लूपिंग होती होती है इसमें, इस फिनोमिना हमको हम बोलते हैं डीएनए लूपिंग।
अब डीएनए लूपिंग का देखो क्या मतलब है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास आता है कि जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है ना वो कुछ ऐसे कर लेता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज तो एक ही है, तो वो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इकट्ठा वाइंड करता है। और ये लूपिंग होने की वजह से जो आपकी 5' to 3' की ओरिएंटेशन है ना, ये 3' to 5' रह जाती है। तो सेम नीचे वाली ओरिएंटेशन रह गई जैसे ऊपर वाली थी, यही इसकी रिक्वायरमेंट थी कि मैं मूव कैसे करूंगा, 3 से 5' मूव करूंगा और सिंथेसाइज स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में करूंगा, 5 to 3'। ठीक है, समझ रहे हो मैंने अभी क्या बोला कि मैं मूव करूंगा 3' to 5' टेम्पलेट डीएनए के ऊपर और स्ट्रैंड जो ऐड होगा 5' to 3' पे होगा, ये इसका रूल था। लेकिन ये ऊपर वाली कैटेगरी में तो फॉलो नहीं हो रहा था, तो स्ट्रैंड ने क्या किया, डीएनए लूपिंग किया, उसको चकमा दिया, तो 3' to 5' ही अब उसको दिख रहा है कि मुझे तो 3 to 5 ही दिख रहा है, तो ये स्ट्रैंड यहाँ पे बना देगा, फिर आगे जाएगा, फिर से डीएनए लूपिंग हो जाएगी, फिर कुछ ऐसा स्ट्रैंड बनाएगा। तो छोटे 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 टुकड़े होते जाएंगे जैसे जैसे लूपिंग होती जाएगी, और उन्हीं टुकड़ों को हम क्या बोल देते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। सो एवरीवन, दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे, डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएशन। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग अबाउट द इलोंगेशन प्रोसेस, उसमें हम डीएनए पॉलीमरेज की 9 की जो 9 सब यूनिट्स है उनकी डिटेल के बारे में देखेंगे, उनका फंक्शन देखेंगे, स्लो स्टॉप म्यूटेंट्स एंड फास्ट स्टॉप म्यूटेंट्स उनके बारे में देखेंगे और टर्मिनेशन को भी कवर करेंगे। सो फॉर मोर वीडियोज लाइक दीज डू सब्सक्राइब टू बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। सो थैंक यू एवरीवन।